नमस्कार, खबर विभाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में चल रहे हॉट टॉपिक के बारे में, विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली एंड बीसीसीआई। जो रीसेंट कमेंट्स विराट कोहली की तरफ से देखने मिले और उसके बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का जो बयान आया, उसके बाद क्रिकेट जगत दो भाग में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है शशांक भाई। शशांक भाई, वेलकम टू खबर बेबाक। और जो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हमने देखा कि कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों के इस पर कमेंट आए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या विराट कोहली का कमेंट करना सही था या सौरव गांगुली का जो बाद में कमेंट आया वो सही है, तो दो भाग में बंटता नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरा अगर आप देखते पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है ना, दो फेज़ में अगर इसको देखा जाए, मेरे हिसाब से दो फेज़ में देखना चाहिए। पहला फेज़ तो वो था जब सौरव गांगुली ने स्टेटमेंट दिया था विराट कोहली की कप्तानी छोड़ देने के बाद से, T20 कप्तानी की बात यहाँ पर हो रही है, उसके बाद फिर ODI की कप्तानी की बात हुई, ये हो गया पहला फेज़। दूसरा फेज़ आया जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए साउथ अफ्रीका टूर जाने के पहले, उनसे सवाल किए गए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, उन्होंने फिर जो बातें सामने रखी, तो पहले जो बात थी सामने कि विराट कोहली ने T20 कप्तानी अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, सौरव गांगुली ने उस पर स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ अपना आउटलुक था, वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह एक्सेट्रा जो भी कुछ बातें थी। विराट कोहली से जब इसके बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने बोला कि यार मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है, मुझसे तो कुछ बात हुई नहीं है। तो तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले तक यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही थी, अब पिक्चर कौन सी सही है इस पर हम नहीं जा रहे हैं, तब तक हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही थी कि भाई गांगुली ने ये चीज़ सामने रखी है। अब विराट कोहली ने आकर के एक पिक्चर सामने रख दी है, अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं कि भाई आपको किसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। फैंस की जहाँ तक आप बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, या फॉर्मर क्रिकेटर्स की जहाँ तक आप बात करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, गांगुली का एक स्टेटमेंट आया, उससे पहले तक सबका यही रुख था कि विराट कोहली से पूछना चाहिए था, इतने बड़े कप्तान रहे हैं विराट कोहली, अभी भी टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर रहे हैं तो उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ये सबका ये रुख था। लेकिन फिर कमेंट आते हैं सोर्सेज बेस्ड, जो बात रहती है ना, नाम किसी का भी नहीं लिखा हुआ है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को कमेंट जो इंटरव्यूज़ दिए गए उसमें नाम किसी का भी नहीं था, लेकिन उनमें बताया गया कि भैया विराट कोहली को लूप में लिया गया था, उनके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, और उसके बाद जो रुख बन रहा है अब वो रुख हो गया पूरा गांगुली की तरफ। अगर आप देखें कपिल देव का जो एक स्टेटमेंट आया कल ही, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कपिल देव ने बोला है कि साउथ अफ्रीका टूर पर जाने के पहले इस बात को इस तरीके से रखने का टाइमिंग जो है विराट कोहली की वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सीरीज, मैं आपको बता देता हूं कि कपिल देव ने क्या बयान दिया है। कपिल देव ने कहा कि आप स्थिति को कंट्रोल कीजिए, ये बयान उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिया था, बेहतर ये है कि आप देश के बारे में सोचिए, जो गलत है वो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक दौरे से पहले विवाद खड़ा करना सही नहीं है। तो ये कपिल देव का स्टेटमेंट था। अब देखिए कपिल देव ने इसमें भी जो बात कही है ना, वो उन्होंने यही बोला है कि कौन सही है कौन गलत है इस पर वो नहीं जा रहे हैं, ये समय आने पे पता चल जाएगा, लेकिन विराट की जो टाइमिंग है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें कहीं आकर के, ये टाइमिंग उनकी गलत थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर पे हम जा रहे हैं खेलने के लिए, जहाँ पर हम एक बार भी टेस्ट सीरीज़ मतलब काफ़ी जीते ही नहीं हैं, और इस सीरीज़ से पहले ये सारी चीज़ें होना टीम का माहौल भी ख़राब करता है, कपिल देव का इस पर ये कहना था। अब सुनील गावस्कर ने क्या कुछ कहा है उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। सुनील गावस्कर ने बोला है कि जो भी कुछ मसला है खुल के सामने बात आनी चाहिए, और इस पर एक क्लियर कॉन्वर्जेशन होता है, फिर क्लियर कम्युनिकेशन होता है, वो होना चाहिए। और विराट कोहली को लेकर के उन्होंने एक बात पहले भी कहा था जो कि उनके फेवर में था, आप बताना चाहेंगे प्रियांशु? एग्जैक्टली, इसके पहले एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जब जैसे ही विराट कोहली का जब स्टेटमेंट आया था, तो उसी शाम को सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है, और विराट कोहली ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे से डील किया है। हालांकि अभी जो सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुनील गावस्कर ने हाल ही में कहा है कि इस बात पर जो पूरी क्लैरिटी है वो गांगुली ही दे सकते हैं बस। और वो स्टेटमेंट उनका कब आया? वो उनका स्टेटमेंट आया था जब सौरव गांगुली का कमेंट आ चुका था। सौरव गांगुली ने इस बात को बोल दिया है ओपनली कि भाई जो भी कुछ हुआ है विराट वर्सेज BCCI एंड सौरव गांगुली, इसको इंटरनली हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग इंटरनली इसको देख लेंगे, और ना इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ना इस पर कोई बयानबाजी होगी। बयानबाजी तो एक तरीके से सौरव गांगुली ने नॉर्मली स्टेटमेंट दिया था T20 कप्तानी को लेकर के कि हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो
एक कॉन्ट्रोवर्सी में क्रिएट तब हो गया जब विराट कोहली ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, तो गांगुली ने बोला कि अब इसके ऊपर इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, जो होगा हम इंटरनली आपस में डिस्कस कर लेंगे और इस मैटर को सॉल्व किस तरह से होगा। भाई मेरा इस पे एक सवाल ये है कि इस पूरे जो पिछले कुछ हफ्तों से ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए एक समय पर BCCI विलेन बन जाता है, विराट कोहली हीरो बन जाते हैं, और दूसरे समय पर विराट कोहली हीरो बन जाते हैं और BCCI विलन बन जाता है। तो जहां न्यूज़पेपर्स ने ये भी छापा कि दादागिरी के आगे विराट फेल, फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर ने ये भी छापा कि दादा विराट कोहली की दादागिरी से खुश नहीं है, तो ऐसे में कौन हीरो कौन विलन ये फैंस के लिए तय करना कितना मुश्किल है। और अगर BCCI ये स्टेटमेंट दे रहा है, सौरभ गांगुली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि BCCI विल डील विथ इट, तो इंटरनली अगर मामला सुलझ जाता है तो फैंस को कैसे पता चलेगा कि कौन सही था या कौन गलत था। देखिए अब अगर देखा जाए ना, सौरभ गांगुली अभी आप उनको बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले गांगुली खुद एक कप्तान रहे हैं, उन्होंने खुद इस तरह की कंट्रोवर्सी फेस की गई है। ग्रेग चैपल की आप बात करें, जब ग्रेग चैपल हेड कोच हुआ करते थे भारत के, तब गांगुली को कप्तानी से हटाया गया, ठीक है, तो वो फेस भी गांगुली ने देखा है। तो पर्सनली जितना मुझे लगता है वो ये है कि सौरभ गांगुली कुछ भी इस तरीके का जो भी कुछ बात है वो गांगुली कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे विराट को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि वो खुद उस सिचुएशन में रह चुके हैं पहले, उन्होंने फेस किया है कि वो किस तरीके से महसूस किया जाता है कि जब एक क्रिकेटर के साथ में या एक कप्तान के साथ में गलत व्यवहार मैनेजमेंट की तरफ से होता है। तो एक बात तो ये है, दूसरी चीज़ हाँ कुछ कह रहे हैं शशांक भाई, एक सवाल मेरा आपसे है, अभी तक आपने इस जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके के से इस पूरे विराट कोहली इंटरव्यू को संभाला है, विराट कोहली स्टाइल में जैसा हम देख सकते हैं, लेकिन आपसे अगर जाए कि आपकी पर्सनल राय क्या होगी कि विराट कोहली का वो स्टेटमेंट कि BCCI ने मुझे नहीं बताया या 1.5 घंटे पहले ही बताया कि आप कप्तानी से हटाए जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट उनका कितना सही था या कितना गलत था, आपकी पर्सनल क्या आपका ओपिनियन है? यार ओपिनियन की बात इसमें तब आती है जब कुछ सिचुएशन पर हम अपना एक आखिरी में पहुंच चुके होते हैं। Conclusion. अभी सिचुएशन ही अभी आधी है। अब आप देखेंगे BCCI की तरफ से जो स्टेटमेंट आए जो हम सुबह ही पढ़ रहे थे अभी, विराट को लूप में रखा गया था ये सारे कॉन्वर्सेशन के बीच में, ऐसा कहा गया है BCCI की तरफ से, हालांकि सोर्स हैं और वो सोर्स कौन है ये नहीं बताया हमने। विराट क्या बोलते हैं, विराट ये बोल रहे हैं कि टेस्ट टीम डिसाइड करने के लिए मुझे कॉल आया था, उस पर हमने टेस्ट टीम डिसाइड की और कॉल के आखिरी में 1.5 घंटे जो कि कॉल चला था, उस कॉल के आखिरी में ये बात बता दी गई कि भैया आप अब से ODI की कप्तानी नहीं संभालेंगे, रोहित शर्मा कप्तानी संभालेंगे। और विराट ने कहा कि मैं इसके लिए बहुत मैंने इसको पॉजिटिवली लिया कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये अभी सिचुएशन आधी है। अब आप देखिए विराट कोहली ने बोला कि मुझे नहीं बताया गया, BCCI कह रहा है कि मुझे बताया गया। अब अगर आप देखें ओपिनियन जो कि आप मांग रहे हैं, विराट कोहली यहाँ पर खुद आकर के विराट कोहली ने इस बात को बोला है कि मुझे नहीं बताया गया, और उधर से सोर्स बेस्ड खबरें आ रही हैं। तो आज की सिचुएशन नहीं, पर उधर से भी सौरभ गांगुली ने तो ये क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि मैंने पर्सनली फोन करके विराट से कहा था कि आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें। नहीं, वो T20 कप्तानी की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट टीम डिसाइड होने के बाद उनको बताया ODI के बारे में था। तो विराट कोहली अगर ODI की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं, ODI टीम कि कप्तानी से हटाने की बात यहाँ पर है, तो विराट कोहली इस समय ज़्यादा मुझे फर्म दिखाई दे रहे हैं और वो ज़्यादा सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि BCCI की तरफ से एक भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया। विराट कोहली ने खुद आकर के बात सामने रखी थी, ठीक है, लेकिन BCCI की तरफ से उनको लूप में अगर लिया गया था या कुछ भी हुआ था, इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं। देखिए अब हो सकता है BCCI चाह रहा हो कि कॉन्ट्रोवर्सी और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए किसी का नाम मत दो और अपना स्टेटमेंट रख दो सामने। वहीं पर दूसरी तरफ सिचुएशन ये भी है कि भाई क्योंकि वहाँ पर किसी का नाम नहीं है तो उस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई होगी, इस पर भी सोचने वाली बात रहेगी। लेकिन क्योंकि विराट कोहली ने खुद इस बात को कहा है तो शायद हो सकता है ऐसा कि डिस्कशन ना हुआ हो। लेकिन सौरभ गांगुली वहीं देखिए, ये भी आप बोलेंगे कि भाई आप बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं, हालांकि कप्तान को चुनने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का रहता है, उनके चीफ का रहता है, लेकिन क्योंकि सौरभ गांगुली खुद उस फेज से निकले हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन विराट कोहली कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अब जबकि ये पूरा मैटर सौरभ गांगुली ने खुद सामने आके कहा है कि कोई बयान नहीं होगा, कोई
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी एंड बीसीसीआई विल डील विथ इट ऑन इट्स ओन. तो ऐसे में विराट कोहली के लिए माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, एंड इसका मैं बहुत क्लियर आंसर आपसे जानना चाहूँगा कि आगे विराट कोहली के लिए राह कितनी कठिन होने वाली है, और क्या विराट कोहली ने ये स्टेटमेंट देकर या सौरव गांगुली और बीसीसीआई से पंगा लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. पंगे की जहाँ तक की बात है ना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई पंगा लिया है. आज आपके और मेरी कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है या कुछ कॉन्वर्जेशन हुई है, और अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपसे आकर के उस पर सवाल पूछा है, अब या तो आप एक बैलेंस जवाब देते हुए जिसमें किसी के ऊपर भी कोई बात ना है आप उस तरह से बता दें, या फिर आप वो पूरा कॉन्वर्जेशन बता दें आपके ऊपर है, लेकिन सच आप बता रहे हैं ये मेजर चीज़ है. ठीक है, तो जो पंगा लेने वाली बात है, पंगा तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, उन्होंने नॉर्मली अपनी बात रखी है. अब जहाँ तक बात आती है आपके दूसरे सवाल की कि राह कितनी मुश्किल हो जाएगी, कितना मुश्किल रहेगा आगे के लिए विराट का आगे सफ़र जो भी है, विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी हैं, ओडीआई टीम में वो खेलेंगे ही खेलेंगे, टी20 में वो खेलेंगे ही खेलेंगे. आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात होती है ना कि विराट की कप्तानी में नहीं जीता है भारत ने अभी कोई भी, नहीं जीता है नो डाउट, लेकिन एज अ प्लेयर अगर आप देखेंगे ना तो विराट कोहली के उसमें बहुत अच्छे रन हैं. Exactly. एक इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पे बहुत अच्छे रन हैं उनके, और अगर वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको ना तो बीसीसीआई हटाना चाहेगा और ना ही कोई और हटाना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो खेल रहे हैं वो देश के लिए खेल रहे हैं. टीम जीतनी चाहिए, प्लेयर के परफॉर्मेंस से अगर वो टीम जीत रही है तो उस प्लेयर को कोई बाधा क्यों आएगी. बीसीसीआई ने जैसा अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो उसको इंटरनली डील करेंगे, तो व्हाट कुड बी देयर एक्शन, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है? क्या सौरव गांगुली और विराट कोहली को एक साथ बैठ के आमने सामने और उनसे बातचीत से मसला सॉल्व होगा, या बीसीसीआई इस स्टेटमेंट पे, इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कोई एक्शन लेते हुए दिख सकती है? एंड अगला जो सवाल इसी से जुड़ा है कि बीसीसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जो आपकी टीम है उसकी जो गवर्निंग अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी है, उसके खिलाफ आप जाकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये जो विराट कोहली का स्टेटमेंट है वो इस परव्यू में फॉल करता है क्या? नहीं, पीछे से शुरू करेंगे. बिल्कुल, तो जो उनका स्टेटमेंट था वो इस सिचुएशन में लाइन नहीं करेगा, बिल्कुल भी लाइन नहीं होगा, क्योंकि उनसे सिर्फ पूछा गया था कि कप्तानी को लेकर के आपका क्या रुख है, ओडीआई कप्तानी आपने छोड़ी, तो उस पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, उन्होंने सिर्फ बात बताई थी, कॉन्वर्जेशन जो हुआ था बीसीसीआई के साथ में उनका, तो कोई बयानबाजी खिलाफ हुई है बीसीसीआई के ऐसा मुझे तो नहीं लगता है. उसके अलावा आपने जो एक और सवाल पूछा था प्लान ऑफ एक्शन, अब मैच्योरिटी वाली यहाँ पर बात आती है. आपके मेरे बीच में कोई भी कहा सुनी हो गई या कुछ भी बात हो गई, तो या तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हम उसको सॉल्व करें, या फिर हम आमने सामने बैठ करके उस पर बातचीत करें कि यार ये चीज़ें थी, ऐसा ऐसा था, आपकी ये चीज़ मुझे ख़राब लगी और आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, और आपकी आप भी ये बात मुझसे कह सकते हैं, तो ये सिचुएशन जो रहती है वो सबसे अच्छी रहती है. जो चीज़ें मेरे दिमाग में मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में आपने मुझे बताया, लेकिन जब यहाँ पर लोग और ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है. क्या बीसीसीआई इसे पब्लिक आई से बचा के रख पाएगा ज़्यादा टाइम तक? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू नो कि हम मीडिया वाले कितने बड़े जासूस बन सकते हैं, तो क्या पब्लिक आई से इसको बचाया जा सकता है? अब ये चीज़ भी क्योंकि लगातार बीसीसीआई के सोर्सेज सामने आ रहे हैं, टॉप ऑफिशियल्स भी अपना बयान, अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, तो इससे बहुत सारी अंदर की बातें सामने आ रही है. लेकिन काफ़ी हद तक है ना, सौरभ गांगुली ने जो कल अपना स्टेटमेंट दिया है उसने फुल स्टॉप लगा दिया है इस पर. उन्होंने बोल दिया कि अब जो कुछ भी होगा हम इंटरनली देखेंगे इसको, मीडिया में ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना कोई बयान आएगा, ना कुछ आएगा. और ये एक सिचुएशन छोटी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी में तब्दील हो सकती है, ये चीज़ और बड़ी बन सकती है. तो इस वजह से कोई अब बयानबाजी तो होने से रही, जो भी कुछ है इंटरनली डील हो जाएगा वो. और हाल फिलहाल में तो ये चीज़ सामने नहीं आ रही है कि क्या कुछ हुआ था या किस तरह से आगे की चीज़ें रहेंगी. अच्छा, ये जो हमने पूरा डिस्कशन अभी किया है इसमें एक पॉइंट रह गया. प्रज्ञान ओझा ने हालांकि किसी का नाम उन्होंने इसमें नहीं लिया है, ना कोई ऐसा हैशटैग उन्होंने लगाया है कि जिससे ये बात इंडिकेट हो सके कि भाई वो विराट कोहली के लिए बोल रहे हैं या बीसीसीआई के लिए बोल रहे हैं या गांगुली के लिए बोल रहे हैं. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन चूंकि उनकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट उन्होंने किसके लिए दिया है. मैं पढ़ देता हूँ उन्होंने जो बताया ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा था. उन्होंने लिखा है, अ गुड शेफ़ नोज वॉट टू शो एंड वॉट नॉट टू when he is trying to prepare a delicious dish. As a reputation of a kitchen and a restaurant,
इज़ ऑन हिम। तो ये क्लियरली वो बता रहे हैं, उन्होंने बिना कहे इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि विराट कोहली को कुछ बातें कहनी चाहिए थी, कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी जो रेपुटेशन है टीम इंडिया की या इंडियन क्रिकेट की, वो उनकी उनके जो बयान थे उस पर बहुत ज़्यादा आधारित रहेगा। आपको बता दें कि प्रज्ञान ओझा के इस ट्वीट ने शशांक भाई का इतना ध्यान इसीलिए खींचा क्योंकि इनका IBC24 फूड नाम से अपना चैनल चलता है, और जहां फूड की बात आ रही है वहां शशांक भाई का ध्यान ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो IBC24 फूड को भी ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विराट कोहली वर्सेस BCCI और सौरव गांगुली में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो टसल चल रहा है, इस पे कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा। सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी भी बजवा लीजिए जी। तो खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। आज के लिए इस खबर बेबाक के इस एपिसोड में इतना ही, बने रहें खबर बेबाक के साथ।